हेलो नमस्कार आदाब टू यू ऑल और मैं विनेत्री स्वागत करता हूं फिर से हमारे इस इनिशिएटिव में जिसमें आज हम बात करेंगे चैप्टर टू के ही एक टॉपिक जो कि है पोलिनेशन ओके तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल स्टार्ट और ये मैंने स्टार्ट कर तो पोलिनेशन क्या है ये पोलिनेशन देखिए अभी तक जो हमने बात की है मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ कि अभी तक जो हमने इस चैप्टर में बात की है वो ये है कि मेल गैमेटोफाइट दैट इज पोलन ग्रेन बन चुका है ठीक है ना ग्रेन बन चुका है जो कि मेल गैमेटोफाइट है एंड फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज सैक वो भी बन चुका है और उसके अंदर है, जो है वो भी रेडी है ठीक है तो अब पोलन ग्रेन यहां पर जो है पोलन ग्रेन रिलीज करेंगे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एम्ब्रियोसैक के अंदर है यानी कि मेल गैमेट किसके अंदर है पोलन ग्रेन के अंदर जो कि मेल गैमेटोफाइट है और जो एम्बरूस है दैट इज फीमेल गैमेटोफाइट उसके पास क्या है एग जो कि क्या है फीमेल गैमेट है तो ये चीज आपको याद रखनी है कुछ फैक्ट्स हैं ये जो आपको ध्यान रखने कि मेल गैमेटोफाइट क्या है फीमेल गैमेटोफाइट क्या है है ना मेल गैमेट कहां से रिलीज होगा और फीमेल गैमेट कहां पर प्रेजेंट है गेटिंग माय पॉइंट ओके सो नाउ दिस इज अ फ्लार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लार विच इज शोइंग अस डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ शोइंग्लार लाइक दिस इज वी हैव ऑलरेडी अबाउट दिस दिस इज रिसेप्टिकल या देन दिस बल्स जो पार्ट है दैट इज अ ओवरी ग्रीन पार्ट और यहां पर जो ग्रीन पार्ट ये जो है लैंडिंग प्लेटफॉर्म दैट इज स्टिग्मा ये स्टाइल ये ओवरी देन ये जो बाहर की जो बात ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट है दैट इज कैलिक्स सिंगल यूनिट कैलिक्स एंड देन इज सैपल ओके okay. आफ्टर ये जो येलो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है ये किन्नी फ्लावर में आप येलो भी देखेंगे इस तरह का पिंक भी देखेंगे रेड भी देखते हैं ब्लू पर्पल व्हाइट अलग अलग तरह का आपको ये पेटल्स दिखाई देंगे जो कि क्या होते हैं सिंगल यूनिट इज पैटल एंड टुगेदर हम इन्हें बोलते हैं कोरोला ओके okay? ओके okay. नाउ फेम मेल अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करें दैट इज ये जो बल्स्ट पार्ट है दैट इज एंथर जो कि बाई होता है डाइ जिसको हम बोलते हैं है, है ना और ये जो है आपका ये है लॉन्ग सिलेंडर पार्ट दैट इज फिलामेंट ठीक है ये इससे अटैच्ड है ओके ये हो गया आपका स्टेमन एंड्रोशियम और ये आपका कार्पल या प्रिस्टल हो गया आपका गायनोशियम इतनी बात हमने यहाँ पर कर ली थी अब इसके बाद जो नेक्स्ट बात है मैंने आपको ये बता दिया था कि एंथर में क्या है एंथर में ये पोलन ग्रेन्स एंथर इस तरह से रिलीज करता है इनको मैच्योर हो जाने के बाद ठीक है और यहाँ पर ये जो जितने भी पोल्स हैं ये सब आएंगे ये सब आएंगे किस पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के इस स्टिग्मा पर ये स्टिग्मा क्या है लैंडिंग प्लेटफॉर्म है और फिर इसके बाद यहां पर यह अंदर आएंगे और अंदर आने के बाद जो ओव्यूल में जो एम्ब्रियोसेक बना था उस एम्ब्रियक में एग है वहां पर आके ये एग को आकर फर्टिलाइज करेंगे तो उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के टॉपिक में लेकिन अभी हम जो जितने भी बातें कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में वो हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखिए रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स हैं वो तीन है सबसे पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या चीजें आती हैं सबसे पहले है तो गैमेटोजेनेसिस जो हमने बात की ठीक है ना ये जो गैमेट्स हमारे बन रहे हैं हमारे ठीक है ना और दूसरा है गैमेट का ट्रांसफर और गैमेट का ट्रांसफर अभी हम बात कर रहे हैं फ्लावर्स में पोलिनेशन के थ्रू ठीक है और तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा तो प्री फर्टिलाइजेशन देन फर्टिलाइजेशन जो कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि जायगोट बनने के बाद जो एम्ब्रोनिक जो डेवलपमेंट होती है वो कैसे होती है तो तीन इवेंट्स में हम रिप्रोडक्शन को डिवाइड कर देते हैं तो अभी हम फिलहाल हमारा चल रहा है प्री फर्टिलाइजेशन जिसमें हमें गैमेटोजेनेसिस पहला टॉपिक कर लिया दूसरा टॉपिक पोलिनेशन यानी कि गैमेट ट्रांसफर हमने आज स्टार्ट करना है ओके अब देखिए अब ये एक फ्लावर है पोलिनेशन है दो तरह का सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन अब सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा यहां पर आप देखिए ये एक फ्लावर है ठीक है और इस ये इस फ्लावर का क्या है एंथर एंथर क्या रिलीज करेंगे एंथर रिलीज करेंगे पोलन ग्रेन्स तो ये पोलन ग्रेन्स जो है इसी फ्लार पर प्रेजेंट इसी फ्लावर पर प्रेजेंट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज पिस्टल के स्टिग्मा पर लैंड कर गए तो इसको हमने क्या बोला सेल्फ सेल्फ पोलिनेशन यानी कि अपने आप पर ही अपने फ्लावर पर ही समझ गए सेल्फ पोलिनेशन ठीक है और इस तरह के सेल्फ पोलिनेशन को हम डिटेल में बोलते हैं इस तरह के सेल्फ पोलिनेशन को हम डिटेल में बोलते हैं जो है क्या बोलते हैं इस तरह के पोलिनेशन को हम डिटेल में ओटोगैमी क्या बोलते हैं हम इस तरह के पोलिनेशन को ओटोगैमी ठीक है ओके अब ये तो बात होगी कि सेम फ्लावर पर ही जो है क्या हुआ है एंथर जो है उन्होंने अपने तो सेल्फ हो गया इसको हम ओटोगी बोलते हैं एक और तरह का सेल्फ पोलिनेशन होता है जिसको बोलते हैं हम गिटिनोगी गिटिनोगी में क्या होता है देखिए जैसे मान लें एक ये फ्लावर है और एक ये फ्लावर है लेकिन ये दोनों जो फ्लावर है ना वो एक ही प्लांट पर है ये जो दोनों फ्लावर है ना एक ही प्लांट पर है ठीक है तो यहां पे क्या होगा यहां जो ये एंथर रिलीज कर रहा है ना ये वाला फ्लावर तो ये वाला फ्लावर जो एंथर रिलीज कर रहा है ये एंथर जो है कहां पर जाकर लैंड कर गए इस 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 फ्लावर के पिस्टल के स्टिग्मा पर ठीक है यहां पर देखिए स्टिग्मा है तो स्टिग्मा पर ये पोलन ग्रेन लैंड लेकिन ये सेम फ्लावर पर नहीं हुआ ये सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पर हुआ है तो ये है तो सेल्फ पोलिनेशन ही लेकिन ये क्या है गिटिनोगेमी इसको हम बोलते हैं ये ऑटोगेमी है सेल्फ पोलिनेशन में ये गिटिनोगेमी है गेटिंग माय पॉइंट ओके तो ये तो होगी सेल्फ पोलिनेशन की बात ठीक है अब सेल्फ पोलिनेशन के बाद जो दूसरा टाइप का पोलिनेशन है वो है क्रॉस पोलिनेशन क्रॉस पोलिनेशन क्या होगा देखिए अब मान लीजिए ये एक प्लांट अलग है ये एक ए प्लांट है ठीक है और ये क्या है ये एक बी प्लांट है ये एक बी प्लांट है ठीक है तो ए प्लांट बी प्लांट अब यहां पर ए प्लांट का एक फ्लावर है इसने क्या किया इसने जो है अपने पोलन इसके पोलन ग्रेन रिलीज किया एंथर के द्वारा और ये जो पोलन ग्रेन है इस बी प्लांट के फ्लावर पर आकर जो है लैंड कर जाते हैं इसके स्टिग्मा पर आकर लैंड कर जाते हैं तो इस तरह के पोलिनेशन को हम क्या बोलेंगे क्रॉस पोलिनेशन इसको हम जीनोगेमी या एलोगेमी के नाम से भी जो है जानते हैं इस प्रोसेस में क्या हो रहा है इस प्रोसेस में ये हो रहा कि ग्रेंज है कि पोलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर एक फ्लावर के एंथर से दूसरे प्लांट दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जा रहे हैं ठीक है ऑफ द सेम स्पीसीज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें सोलेनम ट्यूबरसम ट्यूबरसम की हम यानी कि पोटैटो की बात करें तो पोटैटो का पोलन ग्रेन पोटैटो के प्लांट पर ही जाना चाहिए गेटिंग माई पॉइंट तो तभी जो है फर्टिलाइजेशन होगा क्योंकि रिकोग्नेशन हो जाता है सेम के बीच में वो हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान ठीक है तो ये क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन दोनों तरह की बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी ठीक है हाँ तो ये बता दिया मैंने आपको ट्रांसफर ऑफ पोलन पोलरग्रेन फ्रॉम एंथर टू टूस्टिकमेज पोलिनेशन दिस इज टू डिफरेंट एफ सेल्फ एंड क्रॉस ऑटोगेमी एंड किटनोगेमी आफ्टर दैट क्रॉस पोलिनेशन इसमें मैंने आपको बताया जीनोगेमी बोलते हैं एलोगेमी बोलते हैं और ट्रांसफर जो पोलन पोलरग्रेन्स का हो रहा है एक फ्लार एक प्लांट के दूसरे प्लांट के फ्लार पर सेम स्पेसी है लेकिन ठीक है एजेंसीज देखिए क्रॉस पोलिनेशन में अलग अलग एजेंसीज रिक्वायर्ड है आप यहाँ देखिए यहाँ तो नॉर्मल आराम से वैसे भी गिर सकते हैं एंथर यहाँ पर ठीक है ना इस केस में सेल्फ पोलिनेशन में तो है ना लेकिन क्या क्रॉस पोलिनेशन में जो प्लांट काफी दूरी पर है वहां पर पोलन ग्रेन्स कैसे जाएंगे तो वहां पर तो किसी ना किसी एजेंसी की जरूरत पड़ेगी ना तो द एजेंसीज विच आर रिक्वायर्ड इन दिस केस आर एज फॉलोज कौन कौन सी एजेंसीज देखते हैं तो सबसे पहले जो एजेंसी है वो क्या एयर हवा तो ऐसी अगर एयर अगर एज अ एजेंसी काम करती है तो हम उस तरह के पोलिनेशन को क्या बोलते हैं एनिमोफिली एनिमोफिली वाटर है तो हाइड्रोफिली इंसेक्ट है तो एंटोमोफिली बर्ड्स हैं तो ओरनीथोफिली एनिमल्स हैं तो जूफिली बैट्स हैं तो और हैं हैं तो स्नेल्स है, तो स्ल्सोफिली ठीक है तो ये अलग अलग जो है हमने पर आप आपको बात बता दी है ठीक है तो ये चीज आपको क्या रखनी है ध्यान रखनी है ठीक है तो एजेंसीज के बारे में यहाँ पे बात जाए अच्छा पोलिनेशन जो है उसकी क्या जरूरत है पोलिनेशन की जरूरत इस वजह से होती है भाई क्योंकि जो एनजियो में है ना दोनों के दोनों गैमेट्स दोनों ही गैमेट्स कैसे हैं नॉन मोटाइल हैं भाई पोलन ग्रेन थोड़ी ना मूव कर पा रहे हैं उनको तो कोई मीन्स चाहिए होता है ना ये देखिए ये सब मीन्स के तौर पे तो काम कर रहे हैं पोलन ग्रेन्स आर नॉन मोटाइल इवन द एग इज नॉन मोटाइल इफ बोथ द गैमेट्स आर नॉन मोटाइल देन हाउ हाउ द गैमेट्स विल रीच हाउ द मेल गैमेट विल रीच द फीमेल गैमेट है ना तो यही तो बात है तो इस वजह से जो है पोलिनेशन का प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है इन इन, इन केस ऑफ एनजीओ ओके ओके गोटेड ओके ये सब जो है मैंने जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ की है उनके बारे में तो आप ये देख लीजिएगा ठीक है अगर ना समझ में आए तो ओके okay. अब सेल्फ पोलिनेशन के लिए जो प्लांट्स होते हैं ना वो कुछ एडप्टेशन यानी कि कुछ ऐसे अपने अंदर चेंज ले आते हैं कुछ अनाटमिकल चेंजेस कुछ मोर्फोलॉजिकल चेंजेस कुछ बिहेवियरल चेंजेस इसकी वजह से वो सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन ही करते हैं फिर क्रॉस पोलिनेशन नहीं करते हैं उनको चाहिए वो तो भाई सेल्फ पोलिनेशन ही करेंगे हम तो, तो वो क्या करते हैं कुछ अपने अंदर ऐसे चेंजेस ले आते हैं तो सबसे पहले होमोगैमी होमोगैमी का मतलब क्या होता है कि दोनों मेल और फीमेल गैमेट मेल और फीमेल गैमेट जो है या सेक्स ऑर्गन जो है वो सेम टाइम पर ही मैच्योर होती हैं अगर सेम टाइम पर मैच्योर होंगी तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएंगी ना पोलिनेशन की ठीक है ना बढ़ जाएगी ना जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोबेबिलिटीज ठीक है तो ये होगा क्लिस्टोगैमी में क्या होता है क्लोज फ्लार क्लोज फ्लावर हो जाते हैं जो सेल्फ पोलिनेशन वाले जो फ्लावर्स होते हैं ना वो क्लोज हो जाते हैं आपस में अब जो क्लोज हो जाएंगे तो दोनों के दोनों मेल और फीमेल के मेट हाइड नहीं हो गए हैं तो हाइड हो गए तो क्रॉस पोलिनेशन कैसे होगा वो तो सेल्फ ही होगा ना तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे ओग्जिल है वायले या कॉमेना है ये सब इनमें क्या होते हैं इनमें क्लिस्टोगेमस फ्लार होते हैं यानी कि क्लोज फ्लार होते हैं ठीक है और क्रॉस पोलिनेशन में हम देखेंगे वो फ्लार चेस्मोगेमस हो जाते हैं यानी कि ओपन फ्लार हो जाते हैं फिर जियोकार्पी जियोकार्पी का मतलब क्या होता है कि ये क्या करते हैं अर्थ के नीचे है ना ग्रो करते हैं ठीक है ना यानी कि हाइपोजिया एरेकिस हाइपोजिया जैसे ठीक है ना तो वो क्या हो जाते हैं आपके जियो हैं ये जो पोलिनेशन तो तो फिर पोलेंस से आएंगे पर ओके तो उसी प्लांट को खुद ही सेल्फ पोलिनेट ही करना पड़ेगा एंथर जो है बेंड कर जाता है मीराबिली जलापा के अगर हम केस में देखें यानी कि फोरोक्लोक प्लांट के अगर हम बारे में बात करें तो फोरोक्लोक प्लांट में क्या होता है फोरोक्लोक प्लांट में ये होता है कि जो एंथर है ना वो जो है क्या कर जाता है इस पर बैंड कर जाता है मीरा बिली जलापा में ठीक एंथर जो है जैसे यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल ये एंथर है और ये क्या है ये यहाँ पर जो है मान लीजिए इस तरह से ओवरी है ठीक है तो ये जो एंथर है ना ये बैंड कर जाएगा तो बैंड कर जाएगा तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी ना यहाँ पर कि पोल यहीं पर ही शेड होंगे ठीक है तो ये बात होगी फनल शेप्ड फ्लार बन जाते हैं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टाइल है देखिए लोंगेट कर गई है यहाँ पर स्टाइल यहाँ थी लेकिन स्टाइल लोंगेट कर गई इनके बराबर आ गई है तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी अगेन इसने बढ़ा दी जैसे विनका रोजिया में ऐसा होता है ठीक है कोयलिंग ऑफ स्टिग्मा स्टिग्मा जो है ना ये ये जो स्टिग्मा थी ये जो है कोयल हो जाती है एंथर के तरफ तो अगर एंथर के चारों तरफ अगर ये कोल्ड होगी तो ऑब्वियसली यही होगा है ना सेल्फ पोलिनेशन जैसे सोलोनम ट्यूबरसम में पोटैटो में ऐसा होता है ठीक है ओके अब एडप्टेशन की कुछ बात करते हैं जो कि क्रॉस पोलिनेशन में कि ऐसे भी कुछ प्लांट्स होते हैं जो सिर्फ जो है चाहते हैं कि उनके अंदर सिर्फ क्रॉस पोलिनेशन ही हो सेल्फ ना हो तो वो अपने अंदर ऐसे कुछ चेंजेस ले आते हैं ठीक है तो सबसे पहला जो चेंज क्या है वो है यूनिसेक्सुअलिटी का यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स मतलब वो क्या करते हैं वो जो है उन प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर होंगे ना वो जो है यूनिसेक्सुअल होंगे यानी कि या तो उनके पास पिस्टिल होगी या वो उनके पास स्टेमन होगा यानी कि या वो स्टेमिनेट होंगे या वो पिस्टिलेट होंगे जैसे कैस्टर मलबेरी पपाया इन सब केसेस में होता है फिर आता है डाइकोगेमी डाइकोगेमी में पता है क्या होता है मैचोरेशन जो है ना वो अलग अलग टाइम पर होती है वहाँ पर होमोगेमी था ना यहाँ पर मैचोरेशन जो है अलग अलग वहाँ पर सेम टाइम पर हो यहाँ पर डाइकोगेमी यहाँ पर डिफरेंट जो सेक्स ऑर्गन्स है ना मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन उनका जो मैचोरेशन अलग अलग डिफरेंट टाइम पर होता है ओब्वियसली जब डिफरेंट टाइम पर होगा तो मेटिंग हो ही नहीं पाएगी ठीक है इस कंडीशन में हम बोलते हैं अगर पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है सेक्स ऑर्गन्स हैं वो अगर डेवलप कर जाए तो प्रोटेंड्रस और अगर पहले फीमेल कर जाए तो प्रोटोगाइनस जैसे कॉटन

ठीक है और यहां पर ये यह ज्यादा छोटी रह गई ठीक है तो इस वजह से फिर से अगेन प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी ठीक है तो इन इस तरह के जहां पर स्टाइल लोंगेट उनको पिन फ्लार बोलते हैं और इस तरह के थ्रम फ्लार बोलते हैं ठीक है जैसे कि ये प्राइम रोज और रोक वगैरह में ऐसा होता है आ, प्री पोटेंसी देखिए पोटेंसी में क्या होता है पीच या एप्पल इन सब में क्या होता है कि यहां देखिए आप तो ये जो है ये इसी सेम प्लांट का पोलन ग्रेन है और ये जो पोलन ग्रेन है ये डिफरेंट प्लांट का है तो पता क्या होगा यहां पर जो पोलन ग्रेन है डिफरेंट प्लांट का यहां पर ये यह पहले जर्मिनेट कर जाएगा ठीक है ना ये नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली जब ये जर्मिनेट कर गया तो इसने पोलन जो मेल गैमेट्स हो वो रिलीज कर देगा तो पहले यहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इनकी वजह ठीक है तो ये प्री पोटेंसी भी क्या है क्रॉस फर्टिलाइजेशन का ये एक एडाप्टेशन है सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी मतलब अगर सेल्फ अगर पोलन ग्रेन होगा ना सेल्फ फ्लावर से है या सेल्फ प्लांट से है, तो वो इनकम्पटेबल हो जाएगा वो जो है जर्मिनेट ही नहीं करेगा किसी भी कीमत पर नहीं करेगा और ये जर्मिनेट जैसे टोबैको तंबाकू और आपके पोटैटो पोटैटो में ऐसा होता है ठीक है तो आप ये चीज़ देख सकते हैं ठीक है सेल्फ इनकम्पटेबल हो जाता है ठीक है तो बात आप समझ गए होंगे अभी मेरी ठीक है इसके अलावा और क्या है इसके अलावा आगे देखते हैं आगे क्या देखते हैं सप्रेशन ऑफ वन सेक्स एक सेक्स जो अगर मान लीजिए जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल है बाई का मतलब उसके अंदर मेल यानी कि स्टेमन भी है और पिस्टल भी है तो एक जो है ना एक वो सप्रेस हो जाएगा या तो पिस्टली स्टेमन तो ओब्वियसली एक हो जाएगा ठीक है एक ही सेक्स का तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा फिर वो फिर हर्कोगैमी हर्कोगेमी है है में पता क्या होता है फिजिकल बैरियर है हर्कोगेमी में हर्कोगेमी में क्या होता है जो पोलन ग्रेन्स है ना जो पोलन ग्रेन्स है उनके बाहर एक कवरिंग बन जाती है एक फिजिकल बैरियर बन जाता है फिजिकल बैरियर बन जाता है बिटवीन द पोलन ग्रेन्स एंड द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर है ना या प्लांट ठीक है तो इसकी इसको हम बोलते हैं इस कंडीशन में हर्कोगेमी और ये भी एक एडेप्टन है फॉर कॉस पोलिनेशन कैलोट्रोपियस में ऐसा देखने को मिलता है ठीक है तो ये यह यहाँ तक हमने बात की ठीक है और पोलन ग्रेन्स ये सब आगे बात करेंगे ठीक है और यहाँ तक की हमारी बात ख़त्म होती है आगे जो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम बात करेंगे पोलन ग्रेन्स के थोड़े से फीचर्स के बारे में और उसके बाद हम जो एजेंसीज़ के बारे में उन्होंने बात की ना उनके बारे में ठीक है तो आज के लिए इतना ही प्लीज़ रेफर यूर एन आफ्टर दिस वीडियो एंड आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक यू वेरी मच